झुंझुनू का शहीद राजन भांभू की अंतिम विदाई यहां पर जारी है। शमशान स्थल पर बेटियां और बहन मौजूद है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां उनका 7 साल का बेटा मुखाग्नि यहां पर दे रहा है और कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे शहीद राजेंद्र भांभू। शमशान स्थल पर बेटियां और बहन मौजूद हैं, जयकारे लगातार लगाए जा रहे हैं, भारत माता की जय और वंदे मातरम, जय हिंद कहकर भी बेटियों ने अपने पिता को अंतिम विदाई दी, बहन ने भी अपने भाई को अंतिम विदाई दी और अब ये अंतिम रिचुअल्स हैं वो चल रहे हैं। मुखाग्नि यहाँ पर उनके पुत्र ही उन्हें देंगे जो 7 साल का है। इससे पहले भी पुष्प चक्र अर्पित किया, यहाँ पर जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो अपने लाडले को विदाई देने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन ये बेहद ही गमगीन वक्त जब पंचतत्व में विलीन होंगे राजेंद्र भांभू। जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है उसकी आंखें नम हो रही हैं और ये आप देख सकते हैं बेटे गोद में लिया हुआ है, 7 साल का महज उनका पुत्र है और अब ये मुखाग्नि दी जा रही है, पंचतत्व में विलीन होंगे शहीद राजेंद्र भांभू। शहादत को सलाम न सिर्फ झुंझुनू बल्कि न सिर्फ राजस्थान, पूरा देश कर रहा है, क्योंकि यही जवान है जो बॉर्डर पर मौजूद रहते हैं, यही जवान है जो नाकाम नापाक जो हरकतों को अंजाम देने वाले आतंकी हैं उनसे भिड़ते हैं, उन्हें खत्म करते हैं और तभी हमारा देश सुरक्षित रहता है। राजेंद्र भांभू की शहादत को हर कोई सलाम कर रहा है, लगातार जयकारे लग रहे हैं और ये तस्वीरें जहां पंचतत्व में बनी हुए राजेंद्र भांभू, बेटियों ने भी अपने पिता को अंतिम विदाई दी, बहन भी यहां पर मौजूद रही, लेकिन बहुत ही गमगीन वो पल होता है जब छोटे बच्चे अपने पिता को मुखाग्नि देते हैं और शहीद राजेंद्र भांभू कि बेटे 7 साल का उनका पुत्र जिसने मुखाग्नि दी और अभी तस्वीरें जब